जब लोगों की तफसील शाया हो जाएगी तो वो कहाँ से रियायत ले सकेंगे, और वो जो पाकिस्तान में जितने भी किरियाना स्टोर हैं, यूटिलिटी स्टोर के साथ साथ जो किरियाना स्टोर हैं, वो तमाम इस प्रोग्राम में आने के लिए अहल हैं। उसके लिए हमने एक डिजिटल निज़ाम बनाया है। किरियाना स्टोर्स को भी पहले रजिस्टर करना होगा, और जो 3 हफ्ते हम लेंगे लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी वक्त किराना स्टोर्स की भी रजिस्ट्रेशन होगी। और जो छोटे छोटे गली महल्ले में किरियाना स्टोर्स हैं जिनके पास कोई डिजिटल सिस्टम नहीं है, जो कागज़ पे खाते रखते हैं, वो भी एक नेशनल बैंक की एक एहसास की ऐप होगी, अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे वो डाउनलोड कर सकेंगे। और उसके बाद निज़ाम कैसे चलेगा उसकी हम आपको एक वीडियो बताएंगे। तो वो ऐप डाउनलोड करेंगे, उनकी दुकान पे कोई जाएगा अपना शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर लेके, आप पहले देख लें, वो जब उसको खोलेगा तो ये स्क्रीन उसको नजर आएगा, उसने साइन इन करना है और साइन अप करना है। इसके लिए उसको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के लिए अपना पिन डालना पड़ेगा, ये डिटेल्स वैलिडेट हो जाएंगी। उसको मैसेज मिलेगा कि आप लॉग इन हो गए हैं। अब इसके सामने कस्टमर खड़ा हुआ है, कस्टमर ने उसको अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर दिया है और वो कस्टमर का शिनाख्ती कार्ड जो है अपने ऐप में डाल रहा है। ये शिनाख्ती कार्ड जो है ये रियल टाइम में वेरीफाई होगा एहसास के डेटाबेस से। अब ये स्क्रीन हमें ये बता रहा है कि जो शिनाख्ती कार्ड दिया गया था वो एक एहसास बेनिफिशियरी का ही था और उसका CNIC वेरीफाई हो गया है। अगर कोई ऐसा शख्स आए जो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसका CNIC वेरीफाई नहीं होगा। अब उसके सामने जो स्क्रीन खुली हुई है उस पे 4 चीजें नजर आ रही है, आटा, चीनी, घी और तेल। तो जिस चीज पे सब्सिडी कस्टमर है वो मांग रहा है वो अब उसने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले उसने आटे की प्राइस देखी और ऐप में 70 रुपीज पर यूनिट लिखी हुई है, मगर वो उस प्राइस को मॉडिफाई करना चाहता है, इसलिए उसने ब्लैक बटन को प्रेस किया है। और यहाँ यूनिट प्राइस उसने मॉडिफाई कर दी है, 75 कर दी है। अब वो यूनिट्स बदलेगा क्वांटिटी के और उसने यूनिट्स 4 कर दिए हैं। वो अब ऑयल पे आ गया है और ऑयल पे उसने प्राइस देखी तो यूनिट प्राइस 340 है, उसने चेंज नहीं करनी। अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद, जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा था तो पीछे से ही चेकिंग हो रही थी कि इस इंडिविजुअल की जो सब्सिडी पॉकेट है उसमें इतना ही सम अवेलेबल है या नहीं। जब वो ऑथेंटिकेट हो गई तो ऐप पे ये नजर आया कि जो टोटल बिल था वो 790 रुपीज का था, उस पर उसको डिस्काउंट 170 रुपीज का मिला और उसने पेमेंट 620 की करनी है। ये इंडिकेटिव प्राइसेस हैं, जो भी गवर्नमेंट पीछे से सेट करेगी वैसे ही वो सब्सिडी की अमाउंट शो होगी। इस स्टेप के बाद जो किरियाना मर्चेंट है वो कस्टमर से कहेगा कि आपके पास एक मैसेज आया होगा, वेरिफिकेशन कोड आया होगा, क्योंकि हमने बैक एंड से CNICs और मोबाइल नंबर्स इकट्ठे पे किए होंगे और कस्टमर अपने फोन पे एक वेरिफिकेशन कोड देखेगा और वो वेरिफिकेशन कोड किरियाना मर्चेंट को बताएगा। किरियाना मर्चेंट वो वेरिफिकेशन कोड अपने सिस्टम में डालेगा और फाइनल मैसेज ये आ जाएगा, प्लीज कलेक्ट ₹620 फ्रॉम बेनिफिशियरी अगेंस्ट CNIC XYZ। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइनल रिसीट सामने आ जाएगी। इस रिसीट पर क्लिक ये लिखा होगा कि उसका टोटल अमाउंट, टोटल बिल बनता था 790 रुपीज का, एहसास का डिस्काउंट 170 रुपीज का उसको मिला और नेट अमाउंट उसको 620 रुपीज पे करनी पड़ेगी।